टीवी चैनल से। दोस्तों आंध्र प्रदेश में जैसे कि आपको पता है कि चुनाव का माहौल चालू है और चुनाव का अभी वक्त बहुत नजदीक आ गया है। कुछ शहरों में हो चुके हैं चुनाव, कुछ शहरों में बाकी है अभी। आंध्र प्रदेश में चुनाव के दौरान वापस एक बार ईवीएम मशीन को लेके एक घटना सामने आई है कि ईवीएम मशीन के अंदर उन्होंने वोट किसी और को डाला लेकिन निकली बीजेपी की पर्ची। तो वहाँ के जो आप जैसे कि देख सकते हो कि वहाँ जो कतार में लोग खड़े हुए थे उनको इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने ईवीएम मशीन को उठा के तोड़ दिया, तोड़ने के बाद उसको जला भी दिया। तो ईवीएम मशीन को लेके ये बहुत बार जो है इलेक्शन कमीशन को शिकायत पहुंच चुकी है, बहुत पार्टी ने भी करी है शिकायत, लेकिन इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार नहीं है उसी मशीन को। जबकि इलेक्शन कमीशन को भी क्या, सारे लोग जो इलेक्ट्रॉनिक से जो इलेक्ट्रॉनिक का जो जानकारी रखते हैं वो लोग को सबको पता है कि ये मशीन हैक कर दी जाती है मशीन को जो। तो ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है कि मतलब ईवीएम मशीन को लेके इतना चुनाव आयोग को शिकायत जाने के बाद में भी बैलेट पेपर के ऊपर क्यों नहीं चुनाव कराया जाता है, क्यों नहीं उस चीज को सामने लाया जाता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कमीशन भी कब तक जनता के भावनाओं से खेलते रहेगी, ये राजनीतिक पार्टियां भी कब तक जनता के भावनाओं से खेलते रहेगी, कब तक जनता का बेवकूफ। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, अब ये जनता को बेवकूफ नहीं बना सकती है, कोई भी सरकार हो ये जनता को बेवकूफ नहीं बना सकती है, क्योंकि जनता अब सब जानती है और सब समझती है। अगर नहीं समझती जनता नहीं जानती तो आज ईवीएम मशीन तोड़ी नहीं जाती और उसको जलाया नहीं जाता। मैं लालू मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।